Hello everyone, my name is Adnan and welcome back to my another vlog. आज का व्लॉग कल व्लॉग क्यों नहीं आया, कल व्लॉग इसलिए नहीं आया, मेरी थोड़ी तबीयत नहीं ठीक, सॉरी फॉर दैट। एंड आज अभी 12 बजे हैं सुबह सुबह, मैं भी उठी क्योंकि मैं रात को लेट सोती हूँ नाइट स्टडी करते करते, तो इसलिए मैं देर हो जाती है। तो अभी मैं सुबह उठी हूँ, तो अभी मैं उठी हूँ, मैंने अभी व्लॉग स्टार्ट कर लिया क्योंकि मुझे था कि आज मैंने व्लॉग ज़रूर बनाना है। और अगर आप लोग को वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो वीडियोज़ को लाइक किया करें, और अगर वीडियो के अंदर कोई गलती लगती है तो उसको कमेंट में ज़रूर मेंशन किया करें ताकि मैं नेक्स्ट टाइम से वो गलती ना करूँ। इंप्रूवमेंट आप लोगों ने करवाना है क्योंकि जब इंसान अपनी वीडियोज़ को खुद देखता है तो उसको नहीं लगता कि उसमें कोई गलती, आप लोगों ने बताना है कि किस पॉइंट पर कौन सी गलती है और फिर हम उस गलती को ठीक करेंगे। अभी टाइम हो रहा है 12 बजे का, भी हम उठे हैं, उठते साथ हमें जो चीज़ चाहिए होती है वो होती है चाय। आप लोगों को पता है चाय कितनी पसंद है, तो सबसे पहले मैंने चाय रखी है, चाय को जाकर देखते हैं और नाश्ता करते हैं, उसके बाद रूम क्लीन करते हैं, बाकी सारा घर क्लीन है, रूम बस रहता है, रूम क्लीन करते हैं। फिर मेरा आज उर्दू का टेस्ट है, उर्दू के टेस्ट की मुझे प्रिपरेशन करनी है, और उर्दू एक वाहिद ऐसा सब्जेक्ट है जो मुझे मुश्किल लगता है, पता नहीं। लोग चाय भी देखने जा रहे हैं, यहाँ लाइट सारी बंद है, लाइट्स ऑन करते हैं, अगर आपको इस तरह दर्द नज़र आ रहा है तो सॉरी। और चाय देखिए, मेरा पूरा उलट चुका है चाय का, और चाय हमारी चाय गिर गई हमारी, ओ एक मिनट सॉरी। चाय हम लोगों ने बना ली अपने लिए, कप रख लिया, ये रख लिया, अब हम लिए चाय डालते हैं और चाय पीते हैं जल्दी से। एंड मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिन्हें चाय पीना बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। अब अपनी चाय को इसके अंदर डालते हैं, अपना केक लेते हैं और उसको पीते हैं। इसको पीते साथ टेस्ट की तैयारी भी शुरू करनी है और रूम भी क्लीन करना है, तो अब इसको जल्दी जल्दी कर लेते हैं हम लोग। तो ये दो चीज़ें मिल जाए ना तो मेरे ख्याल में आपकी ज़िंदगी सेट। अब मैं नाश्ता कर लेती हूँ जल्दी जल्दी से, और नाश्ता करने के बाद आप लोगों के साथ मिलके करते हैं रूम की क्लीनिंग। नाश्ते के साथ मैंने लैपटॉप भी खोल लिया ताकि मैं कुछ देख लूँ, क्योंकि उसके बाद पूरा दिन मुझे टाइम नहीं मिलता, यहाँ से मैंने पढ़ना होता है, अकेडमी जाना होता है, क्लीनिंग, मतलब बहुत टफ लाइफ चल रही है। और उसमें मैं आप लोग के लिए व्लॉग बना रही हूँ, तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, और जैसे मेरे पेपर होंगे ना फिर हमने बनाने हैं धमाकेदार बाहर अंदर के व्लॉग्स। ठीक है, लुक चेक करें, मैंने ये फर्स्ट टाइम खा रही हूँ, फुल जैसे वाइट चॉकलेट नहीं होता वैसा की कहीं मैंने कर लिया। अब इन बर्तनों को बाहर रख, रूम के हालात बहुत ज़्यादा गंभीर हैं और हमने इसको क्लीन करना है, और मैं सोची आज हम चुटकी बजा के क्लीन करते हैं। तो ये लोग स्कूल से आ गए और सर्दी थी बाहर बहुत ज़्यादा। हारिस तुम भी स्कूल से आ गए हो, ये जब स्कूल से आता है ना तो इंतहाई फटावा शक्त लग रहा था। अच्छा जी, तो गाइस अभी हम लोग पढ़ने लगे हैं, जो कि मेरा उर्दू का टेस्ट था तो मुझे उसकी प्रेप्स करनी थी। मैंने उर्दू की बुक फाइनली खोल ही ली है और मुझे उर्दू की बुक बहुत बहुत बुरा लगा। इस कहाँ जा रहे हो आप? मैं जुम्मा पढ़ने जा रही हूँ। टाइम हो गया है 1:30 एंड हारिस जा रहे हैं जुम्मा पढ़ने, तो हारिस चलो जाओ जुम्मा पढ़ने। अब हम पढ़ने लगे हैं उर्दू की किताब, तो जैसे ही मैं फारिग होती हूँ अकेडमी के लिए रेडी होती हूँ तो मैं फिर आप लोगों से अगेन मिलती हूँ। मैं रेडी हो चुकी हूँ, मैं भी जा रही हूँ अकेडमी, तो जैसे मैं अकेडमी से आती हूँ तो मैं वहाँ से ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी। अच्छा जी, तो अभी हम लोग आ चुके थे अकेडमी से और हमारा एनर्जी लेवल अब बहुत ज़्यादा हाई है, क्योंकि सुबह टेस्ट की तैयारी नहीं हुई थी तो इसलिए मेरा एनर्जी लेवल लो था, बट अब मेरा एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा हाई है। अभी आए हैं और यहाँ देखिए हारिस जो है वो बैठ कर लैपटॉप पर पढ़ रहा है। हम इस उम्र में किताबों से पढ़ते थे लेकिन आजकल के बच्चे लैपटॉप से पढ़ते हैं, वाह। और जब जैसे ही हम बाहर निकलते हैं ये यूट्यूब ऑन कर लेते हैं। और सवा 6 हो चुके हैं और मैं आई थी 5:00, लेकिन हमारे फ़ोन की नहीं थी चार्जिंग, तो इसलिए मुझे इसको लगाना पड़ गया चार्जिंग पे। अभी हमें बैठ के नूर पढ़ रही है, पूछते हैं नूर से नूर क्या कर रही है, और फिर बल्कि पढ़ रही है उससे कुछ कहता है मुझे। कर रही हूँ इलामा इकबाल साहब को हम पढ़ रहे हैं इनको। अच्छा एक क्वेश्चन है नूर, आंसर दोगी? नहीं दोगी? नहीं दोगी, क्या है? अच्छा दो ना, नहीं आंसर दो, बोलो। मेरी बात सुनो, इलामा इकबाल और कायदे आज़म को बचपन से पढ़ रहे हैं, तो हमने बचपन से उनके एसेज लिखे हैं 11 महीने ये लगवाता। अच्छा अब तुमने दोनों इस्लामा इकबाल और कायद आजम का सन बताना है कि वो किस सन में पैदा हुए थे, मतलब डेट ऑफ बर्थ। यस यस, डेट ऑफ बर्थ 25 दिसंबर। मेरा पाँव इस चेयर के नीचे आ गया। 25 दिसंबर 9 नवंबर। 25 दिसंबर 9 नवंबर नहीं पता भैया, सन बताना है, सन बताना है, सन पता होगा तो बताऊंगी ना। दिखाओ जरा खांग के दिखाओ। इस तरह खांगती है मैं कैसे? अच्छा तो मुझे पकड़ो ना कैमरा। हाँ अच्छी आ रही हो। अच्छा ये ना व्लॉग के दरमियान बहुत पूछते हैं अच्छी आ रही। अच्छा बताओ, फिर भी नहीं। अच्छा सन सन बताओ, सन बताओ, सन नहीं बताओ।
नहीं पता शायद कायद आजम का है 1898 शायद 1898 हो सकता है यानी कि वो 1898 इतने पुराने बना दिए तुमने कायद आजम को हाँ ना तो 1847 में उन्होंने पाकिस्तान आजाद किया तो वो कुछ थे मतलब बड़े थे तो उन्होंने किया ना बड़े नहीं बूढ़े थे बूढ़े बूढ़े थे ना तो देखो ना 1898 और उनकी उम्र हो गई 47-49 ईयर्स हो गई तो इतने तो वो थे ही जब पाकिस्तान अब हमने गूगल सर्च करना और पता लगाना है कि वो कब फोत हुए हैं और अगर ये गलत हुई तो इसको नहीं पैदा और अगर तुम गलत हुई तो तुम चपेट खाने के लिए रेडी हो काहे काहे कुए कुछ नहीं क्या इंडियन सीरियल्स देख देख के ना इसको काहे काहे कहने की आदत पड़ गई नहीं क्यों भाई अच्छा नूर एक क्वेश्चन है एक क्वेश्चन नहीं है एक रिक्वेस्ट है बल्कि एक रिक्वेस्ट नहीं है एक हुक्म है क्या कि जाओ मेरे लिए खीर डाल के लाओ चलो तुम पागल हो जो गजेला मतलब डाल के लाओ गाजर की खीर जो एक यहाँ आ रही हो मुझे डिस्टर्ब कर रही हो फिर ऊपर से उल्टे सवाल पूछ रही हो और ऊपर से फिर अब तुम्हें खुद नहीं पता गूगल सर्च करने जाएगी वाह हदिया वाह और अब मुझसे ही हुक्म मांग रही हो हाँ जी हुक्म मांग रही हो हुक्म मांग रही हो मतलब इन बच्चों की उर्दू भी नहीं ठीक हमें इनकी उर्दू को पहले दुरुस्त करना पड़ेगा काहे 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 क्या होता है ऐसा मुझे बताओ जो गुड होता है उसको हिंदी में क्या बोलते हैं क्या गुड बढ़िया नहीं बढ़िया बढ़िया ही बोलते हैं उत्तम लाओ अब दो मैं गाजर की खीर ला देती हूँ क्या हुआ तुमने एक बार में मेरी बात मान ली हाँ मैं देखो तुम्हारी कितनी अच्छी बहन हाथ चुमो मेरे हाथ चुमो घड़ी बना दी इसने तो मेरे हाथों की चलो तुम्हें तुमसे ना हादिया मैं कभी ना कभी बदला जरूर लूंगी लगी समझ तुम्हें महान समझ रही है ना और इसे लग रहा है कि इसने एक बार मुझे कहा कि मुझे ला दो और मैं लेने आ गई हूँ ये बिल्कुल गलत समझ रही है क्योंकि मेरे दिमाग में खुफिया प्लान आया क्योंकि देखिए रुके रुके इसने मेरे हाथ पे यहाँ पर घड़ी बनाई है ना इसने मेरे हाथ काटा है तो अब मैं इसके साथ एक करूंगी प्रैंक ठीक है तो प्रैंक इज द फंडामेंटल पार्ट ऑफ आवर व्लॉग्स ये भी है हमारे पास गाजर की खीर और ये भी वही है मैं आपको दिखाती हूँ ये ना बड़ा लाइट सा पता नहीं क्यों शो हो रहा है ये देखें इस तरह की और इसमें भी वही है ठीक है अब इनमें से तीनों में से जिसमें से भी ले लो बात तो वही है और ये हमारा मेन इंग्रेडिएंट है यानी कि ये है हमारा नमक और ये मैंने गाजर का जो ये खीर है ये मैंने निकाल लिया अब ठीक है अब इसमें जो है ना मैं डालूँगी ये नमक और फिर हादिया के साथ करेंगे हम प्रैंक गाइस तकरीबन मैं इतना नमक डालती हूँ मैं दिखाती हूँ आपको ये कितना ज़्यादा ये देती इतना नमक मैं इसमें डालती हूँ ठीक है इसमें डाल देती आधा अंदर चला गया आधा यहीं रह गया अब इसको ना मिक्स करते हैं इसको बंद कर देते हैं आधे को पता ना चल फिर इसको ना बंद करके वापस रख देते हैं अब ना इसको हम अच्छी तरह से हम मिक्स कर देते हैं ताकि ये चलो क्या गजरेला यस ये ना गजरेला से ना अम्ब्रेला याद आ जाती है चलो अच्छा बना मैंने भी खाया नहीं नहीं मैंने पहले खाया था अच्छा मैं खा लूंगी बंद कर दो क्या बंद कर दो तुमने ही सुबह का व्लॉग शुरू किया हुआ तो ये भी तो दिखाना बनता है ना चलो कहाँ जा रही हो इसको क्यों छोड़ गई आवाज से आ रही है इस बार से थू 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 कहाँ चली गई मम्मा ने गलती से नमक मंगा दिया मैंने तो खाया है मुझे तो एकदम नॉर्मल लगा है तुम ये खा के देखो दिखाओ इतना कोई ऐसे जैसे चम्मच भर के नमक डाला हूँ मम्मा ऐसा कैसे कर सकती है नमक और उसमें जमीन आसमान का फर्क है इसमें नमक कैसे हो सकता है कहीं तुमने तो नहीं मिलाया तुमने अभी मुझे अंदर क्या है इसमें तुमसे बदला लूंगी नहीं वो तो आज का थोड़ी कहा था कि मैं भाई आज ही साथ ही बदला ले लूंगी मतलब वो तो मैं कभी बात ना सा गजरेला मुझे लग रहा है इसमें एक चम्मच नमक मिला ऐसे नमक मिक्स भी नहीं हुआ चलाओ बाहर जाके देखते हैं कि कहीं उसमें ना हो मैंने ऊपर ऊपर से निकाल लिया और नीचे रह गया हो चलो देखते हैं उसमें तुम्हारी कारस्तानी है ना तो ऐसे कंटाप लगाऊंगी चलो चलो देखो अरे जल्दी देखो ये तो बड़ा मसला हो गया हादिया रुक हादिया मिलाया मेरा हाथ छोड़ो मेरा हाथ तो छोड़ो क्यों मिलाया
हाथ पकड़ा था क्या? क्यों मिलाया? तुमने जो मेरे हाथ पे घड़ी बनाई थी उसका मैं बदला भी ना लेती। मतलब तुमने अब बोलो सॉरी बोलो सॉरी 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 सॉरी। तो इसने मेरे साथ बहुत ही गंदा वाला प्रैंक किया और इसने बेचारा गाजर का जो गजरेला था यानी अम्ब्रेला था उसको भी खराब कर दिया। तो ये बहुत बुरी निकली है। इसलिए मैंने एक सिर्फ इसके हाथ पे एक मैंने वॉच बनाई थी जिससे ये हरकत कर दिया और अब मैं ऑन कैमरे से निबट चुकी हूँ। ऑफ कैमरा भी निबटना बनता है। मैं मम्मा को तो बताऊँ तुम अभी बची नहीं हो आप, इसकी कुटाई तो देख ही ली है आपने।